अरे भाई, प्रधानमंत्री कौन बनता बनो, मेरी मस्जिद मुझसे क्या कर रहे हैं? कब तक मस्जिदों के ऊपर पॉलिटिक्स होती रहेगी इस देश में? बाबरी मस्जिद का मसला शुरू हुआ, जीबी पंत थे मुख्यमंत्री, कांग्रेस के थे, क्या क्या कुछ नहीं किया। जब ताले खोले गए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, कांग्रेस का मुख्यमंत्री, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, कौन था प्रधानमंत्री? कांग्रेस के। ये कौन बनता है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नहीं, देश को किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं उस पर तो बोलिए कुछ। आप लोग डरते हैं मुसलमानों के इश्यूज पर बोलने के लिए, मगर सब दावेदार हैं प्रधानमंत्री के। अरे भाई, देश जब आप चलाना चाहते हैं तो देश चलेगा इकबाल से, और इकबाल कैसा आएगा? रूल ऑफ लॉ से आएगा। हर कोई बस मैं प्रधानमंत्री, मैं पर लॉटरी उठ रही है क्या कि आप ले जाकर मस्जिद को आप बुलडोजर लगा देते हैं? पति के नाम पे घर है, पत्नी के नाम पे घर है, पति को नोटिस, घर तोड़ देते आप। जेल में कौन है? मैं जेल में हूं, मेरे बच्चे जेल में हैं। कौन किस पे यूएपीए लग रहा है? दो दो साल कौन जेल में रह रहा है? खाली एक रिपोर्टर है आपकी बरादरी का, वो मुसलमान रिपोर्टर था, दो साल उसको जेल में रहना पड़ा, 700 दिन जेल में रहना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के लाइव डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे से। कल ही ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा ऐलान किया है। ये ऐलान है जहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक ऐसा जो है ऐसी मांग की गई थी कि उस केस को बंद कर दिया जाए, उस चीज को खारिज कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। फिलहाल बड़ा फैसला 22 सितंबर को कोर्ट लेगी, और अभी जिस तरह का कदम उन्होंने उठाया, जिस तरह का ऐलान उन्होंने किया है, उससे हिंदू पक्ष काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है और वहां पर हर हर महादेव के नारे भी लगे। लेकिन इसी बीच इंतजार था ओबीसी का। जी हाँ, ओबीसी कभी पीछे नहीं हटते। हमेशा जब भी मुस्लिम समुदाय को लेकर, मुस्लिम पक्ष को लेकर कोई फैसला कोर्ट की तरफ से आए, कोई बयान आए, वो हमेशा बोलते हुए नजर आते हैं, और आज फिर वो बोलते हुए नजर आए। एक वीडियो में आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने अब केंद्र सरकार पर हमला बोला, सुप्रीम कोर्ट को लेकर बड़ी बात कही, 1997 को लेकर जिक्र छेड़ा है कि किस तरह से उन्होंने ये फैसला लिया, अब ये जो मस्जिद है वो नहीं टूटेगी, इस पर अभी तक वो अड़े हुए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है नेहा मैम। सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे आपसे, और सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आता है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, वाराणसी कोर्ट ने ये कल इस तरह की बात कही है, और अभी फाइनली फैसला नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि जितने सबूत सामने थे उसके बेसिस पर कोर्ट ने एक फैसला लिया और मुस्लिम पक्ष की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया, जो कि उनके लिए काफी निराशा वाली बात, और वो काफी निराशा भी जता रहे हैं। इस बीच ओबीसी जब उतर कर आए तो क्या आपको लगता है कि उनकी नाराजगी यहाँ पर ठीक है, क्या जो है कोर्ट ने ये फैसला लेकर गलत किया? देखिए, कल देखा गया है किस तरीके से जो वाराणसी कोर्ट है उसने इस मामले पर सुनवाई की, और दूसरी जो तारीख दी है हियरिंग की वो 22 सितंबर दी है। अब देखिए, यहाँ पर 22 सितंबर में 10 दिन बाकी है, और इन 10 दिनों में क्या कुछ होगा किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, आपने यहाँ देखा होगा कि धर्मों को बांटने का काम यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ वही सेम सीन देखने को मिल रहा है जो राम मंदिर पर हुआ था, जो बाबरी मस्जिद पर हुआ। अब यही मामला अगर उसी की तरह तूल पकड़ लेगा तो इसमें राजनीतिक पार्टियां भी कूदना शुरू कर देंगी। देखिए, यहाँ पर ओबीसी की मैं बात करूँ तो शायद हर अपने अपने धर्म को बचाने के लिए यहाँ सब लोग बयान देते हैं, क्योंकि देखा गया कि हिंदू पक्ष की तरफ से भी बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयान गए हैं, तो देखिए ओबीसी क्यों बयान नहीं देंगे, और वैसे भी अपनी जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनको क्यों ही तोड़ने देंगे। यहाँ पर मैं किसी पक्षपात वाली बात बिल्कुल नहीं कहूंगी। अगर यहाँ मंदिर की बात हो रही है कि मंदिर कुछ चीजों पर देखा गया कि वहां पर मंदिर को लेकर आकृतियां बनी हुई है, कुछ ऐसी चीजें बनी हुई है जिससे ये पता चल रहा है कि हाँ कुछ सालों पहले वहां पर मंदिर था, लेकिन यहाँ पर इस वक्त तो मस्जिद है। तो देखिए, अपने मस्जिद अपने चीजों को बचाने के लिए, वो भी पुरानी ऐतिहासिक चीजों को बचाने के लिए, तो मुस्लिम पक्ष भी जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा जी। तो देखिए, यहाँ पर इन दोनों के उसमें बोलते हुए यहाँ राजनीतिक पार्टियां अपना कितना फायदा ले जाएंगे, कितनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगी, वो कहना भी
गलत होगा। राजनीतिक रोटियां तो सिख रही है, लेकिन जहां अगर ये देखा जाए कि उस मस्जिद में कई ऐसे चिन्ह, कई ऐसी चीजें मिली जो कहीं हिंदू पक्ष जो कह रहा है कि वो मंदिर के कुछ चीजें ऐसी हैं, मंत्र ऐसी हैं जो वहां पहले मंदिर था, ये हम दावा कर सकते हैं। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मस्जिद को तोड़ा जाए, लेकिन ये जरूर कहा कि हमें भी वहां पर पूजा करने का मौका दिया जाए। इस चीज को लेकर काफी बवाल जो है वो मच रहा है और अभी भी बवाल के आसार दिखने को मिल रहे हैं, ये चीजें तो सामने आ रही। लेकिन इसी बीच हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ओबीसी ने किस तरह से उनका गुस्सा यहाँ पर जमकर फूटा है, क्या क्या चीजें केंद्र सरकार को लेकर कहीं, पीएम मोदी को लेकर किस तरह की बातें बोली हैं, तो ये वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले देखिए ये वीडियो। इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए, इस जो ऑर्डर आया है आज का, फौरन इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 मई 2022 को जो अपना ऑर्डर दिया था, अगर आप वो ऑर्डर पढ़ेंगे तो 0.2 सबसेक्शन 4 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द इंटरिम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डेटेड 17 मई 2022 शेल कंटिन्यू टू रिमेन इन ऑपरेशन पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर ऑर्डर 11 rule under CPC thereafter for a period of 8 weeks so as to enable any party which is aggrieved by the order of district judge to pursue its rights and remedies in accordance with the law. तो जो interim order है वो आज के इस order के बाद भी Supreme Court ने कहा shall continue to remain in operation pending this application. तो 8 हफ्ते का टाइम है, 8 हफ्ते का इसके ऊपर 8 वीक्स का सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि आपके 8 हफ्ते का टाइम है, 8 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट का इस पे है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंतजामिया कमेटी इस फैसले के खिलाफ वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में। फ्रीज तो है और 7-11 का ऑर्डर को उन्होंने आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने की कहा है। मेरा मानना यह है कि ये जो आज ऑर्डर आया है इससे देश में अब बहुत से चीजें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं, 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहां पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है। क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बट, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है वहां पर ऐसा करने की इजाजत दी जाए, अरे भाई तो फिर कैसा होगा ये। अच्छा, और आप इस बात को समझिए कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी मंदिर का इनॉग्रेशन किया था ना अभी साल डेढ़ साल पहले, क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लॉट नंबर 93-94 एक्सचेंज किया गया मुसलमानों से? नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसी काशी की मंदिर की बात कर रहा हूं। प्लॉट नंबर 93-94 को मुसलमानों से एक्सचेंज किया गया, एक प्लॉट लेकर दूसरा घर दिया गया। तो जब एक्सचेंज होता है तो मालिक से होता है ना, मालिक से एक्सचेंज कर रहे हो और आप आज ही ऑर्डर आ रहा है। ये जो प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन किया, जो पूरे उसको बताया कि मॉडर्नाइज किया गया, उसको तोड़ा गया, बनाया गया, एक्सचेंज हुआ है प्रॉपर्टी का, अब इसको क्या बोलेंगे? और उसके एक्सचेंज के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं,
आप बोल रहे हैं कि ये बात कैसी कहते हैं फिर आप। दूसरी बात ये है कि 1883-84 का खसरा है जिसमें लिखा गया प्लॉट नंबर 9130, ये प्लॉट नंबर 9130 है, उसमें उर्दू में लिखा है कि मकबूजे अहले इस्लाम मस्जिद। तीसरी बात आप देख लीजिए कि ये जो है प्लॉट नंबर 9130 26 फरवरी 1942 को वफ का गजट इशू आता, 26 फरवरी वफ गजट इशू आता कि ये मस्जिद वफ है। दूसरा एक केस हुआ था 1936 का जिसका दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट, 1937 में जजमेंट आया, जजमेंट में कहा गया कि मस्जिद, मस्जिद के नीचे की जमीन, घर नॉर्थ और साउथ पे पूरा वफ है। अब इससे बड़ा आपको मैं तीन तीन सबूतें दे रहा हूं। फिर ऊपर से 91 का एक्ट है, अगर कोई ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले मेरा कब्जा था तो फिर 91 का एक्ट के माने क्या है? आप तमाम जिम्मेदार हैं, माने जितने यहां पर जर्नलिस्ट बैठे हैं जो जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था उन आप तमाम आता कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं, 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम हैं, तो आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस पढ़ते जाएंगे, इसका असर क्या होगा देश में फिर? नहीं नहीं, इसका असर ये होगा कि डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा होगा। ऐसे और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।